नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मी को नियमित करें, जिसको लेकर दरभंगा में बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की ओर से जुलूस निकाला गया। वहीं उन लोगों की कई मांगे हैं, जिसको लेकर वो आंदोलन भी कर रहे हैं। दरभंगा में बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा के सभी ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरे दिन महासंघ के जिला महामंत्री फूल कुमार झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर्मचारी विश्राम गृह से अर्थी जुलूस निकालकर लहरिया सराय टावर पर जलाया गया। इन लोगों की निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश किया है, जिसमें सभी ग्रामीण आवास कर्मी और मुख्य मांगों के समर्थन में वेतनमान स्थायीकरण, 60 वर्ष तक जनवरी 2008 के एरियर का भुगतान, राज्य में जितने जिले का आवास कर्मी का संविदा रद्द, कर्मियों का संविदा वापसी, एचएलसी कमेटी रिपोर्ट लागू करने, इन सभी प्रमुख मांगों के समर्थन में जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू लालदेव की अध्यक्षता में सभी ग्रामीण आवास कर्मी सामूहिक अवकाश पर है। वहीं आवास कर्मी संघ के जिला संघ संरक्षण राहुल पासवान, जिला संयोजक ब्रज मोहन कुमार चौपाल, बिहार के सभी आवास कर्मी संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगी, क्योंकि सरकार के अति महत्वपूर्ण जन कल्याणी योजना का कार्य इन कर्मियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है। अगर हम लोगों को मांग सही समय पर नहीं माना जाएगा तो भविष्य में भी अनिश्चितकालीन के लिए घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। हम लोग झुकने वाले नहीं है। जब काम के समय आते हैं तो हम लोग आपदा में भी दिन रात काम करते हैं, महामारी कोरोना में भी दिन रात काम किया है डीएमसीएच में, और बाढ़ आपदा जो आई है उसमें भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हुए लाभुक का और जनता का सेवा अधिकारियों के द्वारा दिन रात आदेश के आधार पे हम लोग किए हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को 6 साल से संविदा सामूहिक अवकाश पे आज तीसरा दिन है, लेकिन हम